मैं तो ये कहूंगा कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, बहुत बहुत भारी वोटों से आगे चल रहा है। कोई किसानों के समर्थन में नहीं दिया था, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिया था। अगर किसान है और किसान की बात सुनता तो ये गांव में आप हाल देख रहे हो, ये नहीं होता। लगातार 1987 के बाद में हम इनको ही वोट देते आए हैं। अब देख लो गांव का हाल, किसी गांव में गली नहीं है, किसी में नाली की समस्या है, कमी खाल की समस्या है। क्या किया उन्होंने? आज तक कुछ नहीं किया। हम पहले इन नलों में थे, इससे तंग आके हम इधर आए हैं। कुछ भी नहीं हुआ यहाँ, किसी ने आज तक किसी ने विकास कार्य नहीं किया है। सिर्फ जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन ने यहाँ, मेरे गांव में लगभग 40 बच्चे हैं ना नौकरी लगे हैं, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची के, बिना किसी खर्चे के। रव्य सिंह ने तो कुछ नहीं किया यहाँ। गोविंद कांडा की टक्कर हम कांग्रेस के साथ मानते हैं। रव्य सिंह अभी यहाँ तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस को कहीं ना कहीं वोट तो मिलेंगे, क्यों? भरत सिंह और पवन बेनीवाल अब साथ चल रहे हैं ना, इससे लोगों में असर तो जाएगा, संदेश जाएगा कि दोनों इकट्ठे हो लिए। हाँ जी, पिछले काफी लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहे हैं, उनके साथ फिर भी कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है उनके साथ। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, वो बार बार है, कभी कोई कैंडिडेट है कोई किसी, बार बार लोगों को चांस देती है। तो अब की बार ठीक है, पवन बेनीवाल का नंबर आ गया, उससे पहले भरत सिंह थे, उससे पहले बहादुर साहब थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी आप यहाँ पर गोविंद कांडा का पहरा ही कर रहे हैं। हाँ जी, हम तो जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन में है, इसलिए हम गोविंद जी को वोट दे रहे हैं। और हमारे गांव में लगभग 50 बच्चे जो बिना किसी पर्ची के, बिना किसी खर्चे की नौकरी लगे हैं, ना किसी की सिफारिश है ना, और इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं। विरोध सिर्फ इनोलो पार्टी के वर्कर हैं वो कर रहे हैं, और हमारे एरिए का कोई ऐसा गांव है जहां विरोध हुआ है? कहीं उसका विरोध नहीं हुआ है, सिर्फ ये इनोलो वाले हैं ये विरोध कर रहे हैं। एलनाबाद का उपचुनाव है जी, हमारे तो 3 कैंडिडेट हैं, पवन सिंह बेनीवाल और भाई गोपाल कांडा और अभय सिंह चौटाला। तो अभय सिंह चौटाला हमारे गांव में तो तीसरा नंबर है, वही है। बाकी रही बात जनता की, जनता और भी बैठी है और हम बात कर लियो भाई, थाने बता देगा। और प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत को नहीं हो, सही काम करे है, काम करे है तो लोग बिन जीता होगा। अब सेंटर में सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार बीजेपी की, तो सरकार के साथ ही रहना चाहिए लोग। विकास कार्य बीजेपी ने करवाए हैं, विकास तो इनके पास कौन सा विकास है? आन तो पीछे आपने चाहिए विकास के लिए, आंग करने पीछे ही चाहिए कौन, ना पीछे देवे दिए लेने। पिछले चुनाव में हमारे फिर नहीं हो कह गया बार लपास है अभय सिंह चौटालो, तो अभी तक वहाँ फिर नहीं बनी, कोई कच्ची पड़ी है। मतलब ये कहा जा सके कि केवल चुनावों तक जो वायदे हैं वो सीमित रहते हैं। हाँ, उसके बाद में की कोनी मिठी गोली वह दी है, बिन चूस वो करो बस आणो की है कोनी।